खबर उत्तराखंड के मंगलौर से है, जहां के नारसन बॉर्डर के पास दो दिन पहले कुछ लोगों ने एक बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। मृतक की पहचान पूर्ण सिंह निवासी नागल के रूप में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले थे। मृतक के पुत्र अंकित कुमार ने मंगलौर के कोतवाली में 3 नामजद सहित कुल 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अंकित ने पिता की लाठी डंडे से मारकर हत्या करने और मौसा के लड़के मंजीत के साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोबल ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों की जल्द तलाशी के लिए टीम गठित करते हुए मंगलौर के सीओ विवेक कुमार को प्रकरण के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी। इसके बाद पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर दिया है। बता दें, किसी के तहत टीम के सदस्यों ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर मंगलौर के पुराने नहर पुल के पास से गुजर रहे 3 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। किस व्यक्ति की डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई है, मौके पर हम लोग सभी वहाँ पर पहुँचे थे। उसका जब एयर वॉर्ड जब जानने की कोशिश की गई तो ये पता लगा था कि ये जो मृतक है इसका नाम प्रवीण प्रकाश है और इसका जो पुत्र है उसकी जो लव मैरिज के संबंध में जो उसके ससुराल पक्ष है उनके द्वारा इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनको लेकर गए जाके उनके साथ मारपीट करके इनको हत्या करके सड़क के किनारे डाल दिया गया था। हम लोगों ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया था। जो संबंधित जो धाराएं हैं कई शब्दों में इस मुकदमे को बनाया और इसमें टोटल 8 अभी हमें प्रकाश में आए थे, जिसमें 3 कैंसिंग अभी तक की जा चुकी है। इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिसमें जो लड़की का भाई राजा उसकी अरेस्टिंग इसमें मुख्य की गई है। साथ में जो 2 अन्य अभियुक्तों की भी अरेस्टिंग हुई है, बाकी अन्य अभियुक्तों की तलाश और जिस गाड़ी में ये घटना हुई थी उसकी भी पहचान पुलिस के द्वारा की गई है और उसकी भी बरामदगी कर ली जाएगी।